से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो हमने एलएम का एक सीरीज स्टार्ट किया था, लेकिन वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्स उसको नहीं आया, तो मैंने उसको बंद कर लिया था। लेकिन कुछ कमेंट्स आए कि सर आप एलएम का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मटेरियल, वो सीरीज पहले फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर जो था उसका एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने वीडियो बना दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, the freezing point of 0.05 molar solution of a non-electrolyte in water. एक non-electrolyte दे रखा है, उसका freezing point पूछा है। तो freezing point निकालने के लिए पहला में क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा के depression freezing point, depression freezing point is equal to molarity into kf. तो molarity आपको क्या दे रखा है, 0.05, kf आपको दे रखा है 1.86, तो 0.05 into आपका आ जाएगा 1.86। तो 0.05 को जब 1.86 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा कितना, 0.093 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.093। अब आपको पूछा है क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, फ्रीजिंग पॉइंट होता है टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, टीएफ नॉट जो होता है मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, तो टीएफ नॉट वाटर का होता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डिप्रेशन, डिप्रेशन आ जाएगा 0.093, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन मोलारिटी इनवर्स। तो आपको केएफ दे दिया, केएफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन मोलारिटी इनवर्स। इफ 342 ग्राम ऑफ केन सुगर, 342 ग्राम ऑफ केन सुगर आर डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। 342 ग्राम केन सुगर दे रखा है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मोलारिटी पहले निकालना पड़ेगा। तो मोलारिटी बन जाएगा W बाई MW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W। W क्या है, ये स्मॉल W दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, MW इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 1000 कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू केन सुगर का वेट 342 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा केन सुगर का वो 342 ही होता है। ठीक है, अब निकाल लेना 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज ऑल्सो 1000, दैट विल बी कैंसल आउट टू गेट मोलरिटी इज इक्वल टू 1। तो मोलरिटी मिल गया आपको 1। आपको पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो पहले हम डेल्टा टीएफ निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू केएफ। तो मोलरिटी आपका आ गया 1, केएफ इज इक्वल टू 1.86 दैट इज इक्वल टू 1.86। नेक्स्ट आपको पूछा क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टीएफ नॉट, टीएफ नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू 1.86, तो माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा था कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकाल के बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले हम मोलालिटी निकाले, फिर डेल्टा टीएफ निकाले, डेल्टा टीएफ निकालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपको प्रोवाइड कर रखा है, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, 0.02 मोल ऑफ यूरिया इज रिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलालिटी इन टू केएफ। केएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, आपको क्या चाहिए, मोलालिटी। तो पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू आ जाएगा W बाई एम डब्ल्यू
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, यूरिया, यूरिया दे रखा है 0.02 मोल इज रिजॉल्ट इन 100 ग्राम यूरिया। तो ये हो गया डब्ल्यू बाई एमडब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें डायरेक्ट प्रोवाइड कर रखा है 0.02 मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको क्या दे रखा है 100 ग्राम, दैट इज 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 100 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये रहेगा 0.2। तो मोलालिटी आपका कितना निकल के आएगा 0.2 मोलल। तो आपको डेल्टा टी एफ चाहिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलालिटी 0.2 इंटू के एफ, के एफ आपको मिल जाएगा कितना 1.86। तो 0.2 इंटू 1.86 दैट इज इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 हमें प्रोवाइड कर रखा है, व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्यूस सॉल्यूशन कंटेनिंग 17 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पूछा है जिसमें 17 ग्राम इथाइल अल्कोहल है 1000 ग्राम सॉल्यूशन 1000 ग्राम वाटर। तो पहले हमें मोलालिटी निकालना पड़ेगा। मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एमडब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या बन जाएगा भाई, डब्ल्यू हमारा बनेगा दे रखा है 17 ग्राम। अब इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर वेट निकाल दो, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, मेरे ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करोगे क्या। तो इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर वेट होता है 46, यह आ जाएगा आपका 1000। वेट, वेट ऑफ क्या दे रखा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 1000 ग्राम। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 17 बाई 46 आ जाएगा 4 4 16, तो ये 4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट इज 0.37 मोल। ओके, तो ये बन जाएगा मोलालिटी दैट इज इक्वल टू 0.37। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले डेल्टा टी एफ निकालते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के एफ। तो मोलालिटी बन गया 0.37 इंटू के एफ, के एफ आ जाएगा कितना दे रखा है 1.86, दैट इज इक्वल टू 0.37 इंटू 1.86, ये करीब करीब आ जाएगा 0.69। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ नॉट इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.69, दैट इज इक्वल टू 0.69 डिग्री सेल्सियस, और ये नेगेटिव में आएगा माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस, दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, हमें पूछा था कि 17 ग्राम इथाइल अल्कोहल है 1000 ग्राम वाटर में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। पहले हमने मोलालिटी निकाला, फिर डेल्टा टी एफ निकाला, फिर टी एफ ऑफ सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें प्रोवाइड किया है ए सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस एट 271.94 केल्विन। इफ केएफ इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन मोलालिटी इनवर्स देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पूछा है। देखिए, पहली बात यह है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, दैट इज 271.94, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 271.94 केल्विन। तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, इससे आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो। डेल्टा टी एफ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टी एफ नॉट, टी एफ नॉट क्या है आपका वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 273 केल्विन, माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया रखा है 271.94 केल्विन, 271.94 केल्विन। तो 273 से आप जब 271.94 केल्विन माइनस करोगे, ये बन जाएगा आपका 1.06। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1.06। ओके, अब आपको डेल्टा टी एफ मिल गया, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के एफ। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट मोलालिटी होता है डब्ल्यू बाई एमडब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू के एफ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ।
तो यहां से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो इंप्लाइज दैट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू के एफ। तो डब्ल्यू आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ हमने निकाला 1.06, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम, के एफ आपको दे रखा है 1.86। तो इसको ये काटोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, 20 से 1000 काटोगे दैट इज इक्वल टू 50। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 109.6 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, आपको बस उसमें से डेल्टा टी एफ निकालना था, डेल्टा टी एफ निकाल के फॉर्मूला डाला था मोलालिटी इंटू के, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू पुट अप करोगे तो फाइनल में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपको प्रोवाइड कर रखा है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52 डिग्री सेल्सियस व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो वो जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि सर डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है इस टाइप का तो क्वेश्चन आप करवा चुके हो, नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है, इंपोर्टेंट तो इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, ब्रैकेट में देखो क्या रखा है, ब्रैकेट में आपको नजर आएगा यहाँ पर दे रखा है के इज इक्वल टू 5.2 केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, के का जो यूनिट होता है, के का यूनिट क्या होता है पता है, के का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर केल्विन इंटू केजी आना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो के जो है, के आपको क्या प्रोवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 5.2 केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो 100 ग्राम का वाटर दे दिया उसको आप कन्वर्ट करोगे 5.2 केल्विन मोल इनवर्स, इसको मैं क्या करता हूँ 100 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 5.2 केल्विन मोल इनवर्स 10 इंटू 100, इसको मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.2, ये हो जाएगा 1000, तो 1000 मतलब ये ग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, केजी में। तो 5.2 डिवाइडेड बाई 10 केल्विन मोल इनवर्स इंटू केजी दैट इज इक्वल टू बन जाएगा 0.52 केल्विन मोल इनवर्स एंड केजी। तो ये आपका बन गया के। तो K का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, आप अगर यहीं से देख के K का वैल्यू पुट अप कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर वीडियो में डाल देना। ठीक है, तो चलिए हमने K निकाल लिया, अब अगर K निकाल दे तो हमारा साथ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, तो देखिए यहाँ पे हमने K निकाल दिया तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का हमने वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने क्या क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो हमें डेल्टा टीवी प्रोवाइड करके दे रखा है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 0.52 डिग्री सेल्सियस व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज कितना। तो डेल्टा टीवी हमें दे रखा है, तो डेल्टा टीवी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू केवी। ठीक है, तो मोलालिटी का वैल्यू हम डालेंगे तो इंप्लाइज दैट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू मोलालिटी कितना आ जाएगा, मोलालिटी होता है डब्ल्यू बाई एमडब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू आ जाएगा केवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो इंप्लाइज दैट मॉलिक्यूलर वेट एमडब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी इंटू आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू के भी। तो डब्ल्यू आपको क्या याद रखा है 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो डब्ल्यू इक्वल टू 6 ग्राम इंटू 1000, डेल्टा टीवी आपको प्रोवाइड कर रखा है 0.52, तो ये आ गया 0.52 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू 100, के भी आपने निकाला दैट इज इक्वल टू 0.52।
तो यहाँ पर 100 और 1000 कैंसिल होगा तो 10 रहेगा, 0.5 to 0.5 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 60, सॉरी मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया था, ऑप्शन आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए पीडीएफ से, ऑप्शन आपको दे रखा था 120, 60, 100 and 342, तो ऑप्शन बी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, के का वैल्यू अगर आप पुट करते तो आपको आंसर कभी नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर के जो है उसको यूनिट अगर आपको याद है तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली के का यूनिट जो है हमें केल्विन केजी मोल इनवर्स में देता है, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो उसको हम केल्विन केजी मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना और किसी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 आपको प्रोवाइड कर रखा है, प्योर बेंजीन फ्रिजेस एट 5.45 डिग्री सेल्सियस एट ए सर्टन प्लेस बट ए 0.374 मोलर सॉल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन इन बेंजीन फ्रिजेस एट 3.55 डिग्री सेल्सियस, केएफ फॉर बेंजीन इक्वल्स टू कितना, ठीक है। तो ये बेंजीन जो दे रखा है, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 5.45 डिग्री सेल्सियस, जब इसमें टेट्राक्लोरोइथेन ऐड कर दोगे बेंजीन का फ्रीजिंग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो कितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.45 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.55 डिग्री सेल्सियस, तो 0.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया आपका, तो आपको पूछा है केएफ कितना है, मोलालिटी भी आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला डालना डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू आ जाएगा आपका केएफ, तो इम्प्लाइज दैट केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाई मोलालिटी, तो डेल्टा टीएफ आपने निकाला दैट इज इक्वल टू 1.90 डिवाइडेड बाई मोलालिटी, मोलालिटी आपको दे रखा है 0.374, तो 1.90 को जब आप 0.374 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 19.0 डिवाइडेड बाई 3.74, तो 3.74 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 19.0 डिवाइडेड बाई 3.74 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 5 point something, दैट इज इक्वल टू 5.08, तो 5.08 मतलब ये वाला ऑप्शन 5.08 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखिए ये जो डेल्टा टीएफ होता है 1.90 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टीएफ डिग्री सेल्सियस में जितना होगा डेल्टा टीएफ केल्विन में भी उतना ही होगा, तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो या फिर केल्विन में लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 5.08 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है कि एन एक्यूस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया बॉयल्स एट 100.25 डिग्री सेल्सियस, तो यूरिया दे रखा है आपको, यूरिया का सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है दैट इज इक्वल टू 100.25 डिग्री सेल्सियस, एक्यूस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज, अच्छा यूरिया क्या है 1 ग्राम यूरिया आपको दे रखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड किया 100.25 डिग्री सेल्सियस, पूछा है कि द एक्यूस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज दे रखा है आपको 3 ग्राम ग्लूकोज जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, पूछा है द एक्यूस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉयल, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछे, ठीक है ओके। अब यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 100.25 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, तो मतलब डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखा है 100.25 डिग्री सेल्सियस, टीबी नॉट होता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है टीबी नॉट, सॉल्वेंट वही है, दैट इज इक्वल टू 0.25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी निकल गया इसका इतना। अब डेल्टा टीबी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू केबी, ठीक है, तो डेल्टा टीबी जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आता है मोलालिटी इंटू केबी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आता है मोलालिटी इंटू केबी। अब डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ यूरिया इंटू केबी डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी ऑफ, आपको क्या पूछा है ग्लूकोज, डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इंटू आ जाएगा कितना केबी, केबी केबी कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया
implies that delta TB of urea divided by delta TB of glucose, ये आपका बन जाएगा मोलालिटी ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब मोलालिटी ऑफ यूरिया देख लेते हैं। मोलालिटी ऑफ यूरिया क्या दे रखा है, मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय भी डिवाइड, ये हो गया वेट ऑफ यूरिया, दैट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वी। क्वेश्चन में देखा था एक्यूस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेम, तो ये 1000 बाय वी कैंसिल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा कितना आपका वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया होता है 60, ये आता है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 3 ग्राम एंड मॉलिकुलर वेट होता है 180, दैट इज इक्वल टू 1/60 इनटू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो मोलालिटी ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू कितना बन गया 1, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया इक्वल्स टू कितना बन जाएगा डेल्टा टीबी ऑफ ग्लूकोज। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यूरिया का हुआ है उतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 0.25, तो 0.25 अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया तो टीबी कितना बन जाएगा 100 प्लस 0.25, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 100.25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन आपको दिया कि 1 ग्राम यूरिया प्रोवाइड कर रखे हम, 1 ग्राम यूरिया वो बॉइल कर रहे हैं 100.25 डिग्री सेल्सियस में, उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन लेके उसमें लेकिन 3 ग्राम ग्लूकोज में लेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो दोनों का डेल्टा टीबी निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी का रेशियो जो आएगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोलालिटी, तो दोनों का मोलालिटी सेम आ जाएगा, तो दोनों का मोलालिटी अगर सेम है तो इंप्लाइज दैट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो भी सेम आ जाएगा, तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो ऑब्वियसली टीबी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या आ जाएगा सेम, दैट इज इक्वल टू 100.25 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में आपको प्रोवाइड कर रखा है एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब यह है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लिया। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन आपको निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया टीएफ इज इक्वल टू क्या है, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू -0.186 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा टीएफ जो आ जाएगा दैट इज टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, इसका मतलब ये आ जाएगा कि डेल्टा, तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ नॉट, तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, तो टीएफ नॉट आपका आता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 1.80 पॉइंट, तो टीएफ नॉट आपका आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है 0.186 डिग्री, तो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है -0.186 डिग्री सेल्सियस, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू प्लस 0.186, तो ये बन जाएगा 0.186, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ आपका निकल गया 0.186। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालो, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना डेल्टा टीबी, तो आपको पता है डेल्टा टीएफ जो होता है, डेल्टा टीबी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू केबी, डेल्टा टीएफ जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के, तो इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब मोलालिटी जो है दोनों का सॉल्यूशन का मोलालिटी सेम ही आएगा, एक्यूस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, तो एक ही सॉल्यूशन तो मोलालिटी सेम आएगा, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा केबी बाय के। ठीक है, अब आपको क्या करना है डेल्टा टीबी निकालना है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी बाय के इनटू आ जाएगा डेल्टा टीएफ, केबी आपका कितना दे रखा है, केबी आपका दे रखा है 0.512 डिवाइडेड बाय के एफ दैट इज इक्वल टू 1.86 डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ आपने निकाला 0.186,
तो 0.186 से जिसको डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 0.0512, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया था, बोला था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बन जाएगा केबी बाई के एफ, उससे आप डेल्टा टी बी निकाल सकते हो, तो केबी बाई के एफ इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये आ जाएगा, एक दो बार आप सोल्व करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मुझे लगता है आप समझ में मतलब तो आ रहा होगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, आप पीडीएफ में देख लीजिए आपका क्वेश्चन। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, सडनली इंक्रीजेस, नॉन। तो ऑप्शन ऑप्शन आपको चार दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर क्या होता है, आपका वाटर का मूवमेंट होता है या फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आपका क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बनेगा। ठीक है, जब दोनों का कंसेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्रेजुअली, क्या क्योंकि डाइल्यूट से धीरे धीरे कंसेंट्रेटेड की ओर सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इफ ए थिन स्लाइस ऑफ सुगर बीट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है, इफ ए थिन स्लाइस ऑफ सुगर बीट इज प्लेस्ड इन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सुगर बीट का एक थिन स्लाइस हमने लिया, उसको अगर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में डाल देंगे क्या होगा। देखो ये है आपको NaCl सॉल्यूशन, इसमें अगर आप सुगर बीट का थिन स्लाइस डाल दोगे, ठीक है, सुगर बीट का एक थिन स्लाइस डाल दोगे, अब ये हो गया कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सुगर बीट जो है ये इसके अंदर वाटर है तो ये डाइल्यूट है, तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर चलेगा। तो अब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जब चलेगा तो इसमें सुगर बीट क्या करेगा, वाटर लूज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको, इफ ए थिन स्लाइस ऑफ सुगर बीट इज प्लेस्ड इन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सुगर बीट विल लूज वाटर, नेक्स्ट दे रखा है सुगर बीट विल अब्सॉर्ब वाटर, नेक्स्ट दे रखा है सुगर बीट विल नाइदर अब्सॉर्ब नॉर लूज वाटर, सुगर बीट विल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सुगर बीट क्या करेगा, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को वाटर देगा, तो सुगर बीट विल लूज वाटर फ्रॉम इट्स सेल, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 आपको प्रोवाइड कर रखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कंसेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो डिफ्यूजन नहीं होता, सॉल्वेंट ही डिफ्यूजन होता है, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट तरह का आयनिक कंसेंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉल्यूट, ये नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूट डिफ्यूजन नहीं होता, सॉल्वेंट डिफ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन 2 दे रखा है आयनिक कंसेंट्रेशन, ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन 2 ही आंसर जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, ये तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से फ्लो नहीं होता, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओवर फ्लो होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, विच कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन दे रखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, तो भी उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या जाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है, इन ऑस्मोसिस फेनोमेनन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ओके, तो जो भी ऑप्शन दे रखा है आपको पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन फ्लो होगा, मतलब लो कंसेंट्रेशन से कहां जाएगा, हाई कंसेंट्रेशन पर फ्लो होगा। ठीक है, तो ये 74 का ऑप्शन आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 दे दिया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू सीआरटी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया तो पाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, ऑप्शन दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो यही हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये याद रखने की चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 76 आप देखिए उसमें दे रखा है व्हिच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कौन सा इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हिसाब से यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कॉपर फेरोसियनाइड, वो कॉपर फेरोसियनाइड को यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, तो इसमें से मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, लेकिन यहाँ पर जितने ऑप्शन देखोगे सब पी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, तो पी इक्वल टू सी आर टी, तो पी इज इक्वल टू आता है एन वाई बी, कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, तो पी नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा इतना, तो आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास एम डब्ल्यू इज इक्वल टू बन जाएगा डब्ल्यू आर टी डिवाइडेड बाई पी वी, ठीक है, तो डब्ल्यू आर टी डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका पी वी, तो ये ऑप्शन नंबर 2, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है प्रेशर का फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था कंसेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, इससे आप डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर, थियोरिटिकल क्वेश्चन है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, चार ऑप्शन दे रखे हैं हबर्स मेथड, सॉल्वे प्रोसेस, बर्कली एंड हार्टले मेथड, ऑस्टवाल्ड मेथड, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम ओमिट करते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर आप मुझे पूछे हो तो आंसर है थर्ड, बर्कली एंड हार्टले मेथड, ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बिल्कुल बकवास है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पी इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज, कंसेंट्रेशन घटा हुआ तो नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 79 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन आर प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट, चार ऑप्शन हमें दे रखा है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्लूकोज विल फ्लो टुवर्ड्स यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया विल फ्लो टुवर्ड्स ग्लूकोज सॉल्यूशन, वाटर विल फ्लो फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टुवर्ड्स ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए दोनों का जो सॉल्यूशन है ये आपको बोला है कि दो मतलब सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन साइड के दो साइड पर रखने दोनों साइड पर रख लिया, एक है 0.1 मोलर यूरिया और दूसरा है 0.1 मोलर ग्लूकोज, देखिए दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बने, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, तो मैं वीडियो आगे बढ़ता चलूंगा, लेकिन क्या होता है कि व्यूज नहीं आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और जो भी आपको चाहिए होता है जिस चैप्टर का आप मुझे बता दिया करो, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बना दूंगा, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैटेरियल बहुत सारे बच्चों को सोल्व करना नहीं आता, तो मैं सोचता हूँ कि मैटेरियल सोल्व कर दूंगा तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते कि मैटेरियल मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जबकि सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेगा, ठीक है, चलिए थैंक यू।